हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 फन विथ नंबर्स के पेज नंबर रीड किए थे। आई होप कि आपने पूरा चैप्टर फिर से रीड किया है और उसमें जो भी क्वेश्चंस थे आपने सॉल्व किए। टुडे वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 16, 17, 18 एंड 19। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आफ्टर 99 वी गॉट ऑन लाइक दिस, कि यहाँ पे एक गर्ल है वो पेड़ के पास में खड़ी है, वो बोल रही है आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस, कि 99 के बाद में हम कैसे जाते हैं। तो 99 फिर आपको शो किया हुआ है, 99 के बाद में कहता है 100, देन 101, देन 102। इसी में एक आपको एग्जांपल दिया है, इसी से रिगार्डिंग नीचे देखे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमें क्या करना है फिल करना है। अब इस पर क्या देखे रखा है, नंबर्स देखे रखे हैं इन फिगर और नंबर इन वर्ड में। आपको क्या करना है इसमें, जहाँ आपको नंबर देख के रखे है किसमें, ग्रीन वाले बॉक्स में देखे रखा है इन फिगर, यानी आपको डिजिट्स में देखे रखा है। अगर आपको डिजिट्स में देखे रखा है तो आपका उसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। अगर आपको वर्ड्स में देखे रखा है तो आपको किस में लिखना है, डिजिट में लिखना है। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 99 और उसको वर्ड में भी लिखा हुआ है 99। नेक्स्ट 100, सिमिलर 100, 101, 101। अभी 4 में है, नंबर में लिखा हुआ है 102, बट यहाँ पे वर्ड्स में इसके लिए क्या है, ब्लैंक है, स्पेस है, तो आप वहाँ पे वर्ड में क्या लिखोगे, 102। ओके, इसी से नीचे कंटिन्यू आते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे, 7 नंबर पे 7 लाइन में है 105। आपको किस में देखे रखा है, वर्ड्स में देखे रखा है, उसके नंबर्स में ब्लैंक है, तो आप वहाँ पे कितना फिल कर दोगे, 105। उसी से जस्ट नीचे 107 और 107 के जो वर्ड्स में है वहाँ पे ब्लैंक देखे रखा है, तो आप वहाँ पे वर्ड में क्या लिखोगे, 107। ऐसे सिमिलर आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं पेज नंबर 16 पे, ये आपको अपनी बुक में सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन है बॉक्स में, ओ 206, गैस हाउ मेनी मोर टू मेक ए ट्रिपल सेंचुरी, कि ट्रिपल सेंचुरी कितने, 206, लास्ट नंबर कितना देके रखा है, 206। गैस हाउ मेनी मोर टू मेक ए ट्रिपल सेंचुरी, कि ट्रिपल सेंचुरी के लिए कितने नंबर्स और चाहिए। तो हमें पता है कि 1 सेंचुरी कितने में बनती है, 100 में, तो ट्रिपल यानी 3 टाइम, तो 100 100 100 कितना हो गया, 300 में क्या बनेगी, ट्रिपल सेंचुरी बनेगी। और यहाँ पे नंबर कितने हैं, 206। अब आपको ये पूछा है कि ट्रिपल सेंचुरी बनने में कितने नंबर्स कम हैं, तो क्या लिखोगे, 300 माइनस कितने नंबर हैं लास्ट, 206, तो इज इक्वल टू आएगा 94 रन्स। इट मीन्स ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए कितने रन्स और चाहिए, 94। नेक्स्ट है पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पे है टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको टॉप 10 स्कोर्स बता के रखे हैं क्रिकेट में, जिसमें प्लेयर्स का आपको नाम देके रखा है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, उनके क्या देखे रखे हैं, स्कोर देके रखे हैं। यहाँ पे सिमिलर आपको प्लेयर्स के नाम और स्कोर देके रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इनके नाम के अकॉर्डिंग या जो स्कोर्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपको नीचे तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, उनके आंसर्स फिल करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सी के जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। अभी आप उसमें देखो इंडेक्स में जो आपको ऊपर देख रखे उसमें सी के कहाँ है, तो सी के है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सी के रन्स कितने हैं, 99। अब उसकी क्या हो गई, सेंचुरी मिस हो गई। हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक ए सेंचुरी, उसको अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितना रन चाहिए था। तो सीके के स्कोर्स कितने दिखा के रखे आपको, 99। सेंचुरी कितने बनती है, 100 में, तो उसका कितना नंबर कम था, 1 रन कम था, तो आप यहाँ पे ब्लैंक में कितना लिखोगे, 1। नेक्स्ट है डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स, कि ऐसे दो प्लेयर्स बताने हैं जिनके ऑलमोस्ट क्या हैं, इक्वल थे। तो आप देखिए कि जो कंटिन्यू आते हैं उनमें कौन से हैं, फर्स्ट में है 128, 100, 99, 162, 152,
178, 105, 141, 112, 127. इट मीन्स सिमिलर किसका है जो कंटिन्यू है, तो 128, 127, ये ऑलमोस्ट सिमिलर. कितने का डिफरेंस, ओनली वन का डिफरेंस है. तो आप इसमें क्या लिखोगे, ए पी जे एंड वी वी एस. नेक्स्ट है डैश स्कोर्ड ए कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर, कि जिसकी कंप्लीट सेंचुरी हुई थी, ना तो सेंचुरी से ज़्यादा रन बने थे, यानी ना तो 100 से ज़्यादा रन थे ना 100 से कम थे. तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके पूरे 100 स्कोर थे, तो वो है ए एस. तो आप इसमें क्या लिखोगे, ए एस. मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर, सबसे ज़्यादा जो रन है वो किसने बनाए थे. तो सबसे ज़्यादा किसके देखे रखे हैं आप, नंबर्स में देखो या इंडेक्स में, तो सबसे ज़्यादा है एम डी. कितने, 178. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एम डी. नेक्स्ट है डैश एंड डैश हैव ए डिफरेंस ऑफ जस्ट रन, जस्ट वन रन बिटवीन देम, कि ऐसे दो प्लेयर्स जिनके रन के बीच में ओनली वन का डिफरेंस है. तो आप माइंड में करो, ये हमें क्वेश्चन अभी जस्ट सोल्व किया था, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया आपको, चेंज कर दिया, कि ऐसे दो प्लेयर्स जिनके रन में कितने का डिफरेंस है, ओनली वन का डिफरेंस है. तो हमने टू वाला किया था, उनमें भी कितना ऑलमोस्ट डिफरेंट था, वन का था. ए पी जे एंड वी वी एस. लास्ट है डैश स्कोर्ड टू मोर देन वन एंड हाफ सेंचुरी, स्कोर्ड टू मोर देन वन एंड हाफ सेंचुरी, वन एंड हाफ सेंचुरी से जिसके दो रन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं. इट मीन्स वन सेंचुरी तो कितने होंगे, 100, हाफ तो 100 का हाफ कितना होता है, 50 से भी कितना, टू ज़्यादा. इट मीन्स 152. तो 152 किसके हैं, 152 है के एस पी. तो आप यहाँ पे क्या फील करोगे, के एस पी. ओके नेक्स्ट है काउंटिंग इन टेंस. आपको टेंस में काउंटिंग करके यहाँ पे नोट करनी है. फर्स्ट एक मैंने आपको एग्जांपल के लिए मैंने आपको सोल्व किया है. काउंटिंग देखे रखिए येलो वाली लाइन में, 10, 20, 30, 10 का गैप है. काउंटिंग इन टेंस, आपको टेंस में क्या करनी है, यहाँ पे काउंटिंग फिल करनी है. तो 10 के में 10 के गैप में आता है, 20, 20 के 10 गैप में आता है, 30 देन 100 तक. 30 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे सबसे पहले फिल किया हुआ है, 30 के बाद में 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. सिमिलर आपको 110, 310, 710. ओके यहाँ पे भी आपको 10 के गैप में क्या करना है, इनको फिल करना है, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट है काउंटिंग इन 50s, तो आपको किस में काउंट करना है, 50 के गैप में काउंट करना है. जैसे सबसे पहले आपको देखे रखा है 200 में 50 का गैप है, तो 200 में 50 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 250. तो नेक्स्ट नंबर होगा 250, या आपको ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, उसके नेक्स्ट डैश है 250 में कितना ऐड करोगे, 50, तो क्या आंसर आएगा, 300. तो मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है 300 में 50 प्लस करोगे तो 350, फिर 350 में 50 प्लस करोगे तो 400. ऐसे आपको 50 ऐड करके इसको क्या करना है, फिल करना है. ओके ये आपको ये भी सेल्फ करना है. नेक्स्ट देखिए रखा है हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, कि आप ये कितना दूर तक, या आप ये जो काउंटिंग है उसको कितना कंटिन्यू कर सकते हैं. तो काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता है, काउंटिंग क्या होता है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, उनका कोई भी एंड नहीं होता है. तो इसका आंसर क्या होगा, वी कैन गो ऑन इनफिनिटी, मतलब हम अनंत तक जा सकते हैं, कि एंड काउंटिंग का कोई भी एंड नहीं होता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, कि ऐसा कोई बिगेस्ट नंबर जो आप बोल सकते हो. तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो सबसे बड़ा होता है, जैसे भी जैसे जैसे नंबर चलते जाते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, कोई भी नंबर सबसे बड़ा नहीं होता है, जो काउंटिंग होती है वो कंटिन्यू चलती है. तो इसका आंसर क्या होगा, नो सच बिगेस्ट नंबर, कोई भी सबसे बड़ा नंबर नहीं है. नेक्स्ट है पेज नंबर 19, कलर द नंबर्स. आपको क्या करना है, इसमें कलर करना है. कैसे, आपको यहाँ पे सर्किल के अंदर एक इंडेक्स बनी हुई है, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं से नीचे रिगार्डिंग क्वेश्चन है, फाइंड दीज नंबर्स इन द अबाउट चार्ट, कलर देम, कि आपको ये नंबर्स किसमें फाइंड करने हैं,
ऊपर जो चार दिखे रखा है उसमें फाइंड करने और फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर करने है। कैसे? चार्ट में देखिए आप, सबसे पहले कलर है ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर। इट मीन्स ग्रीन कलर में लिखा हुआ है 140। तो इस ऊपर वाली इंडेक्स में 140 जहाँ भी है, 140 नंबर जहाँ भी है, आप उस पर कौन सा कलर करोगे? ग्रीन कलर करोगे। नेक्स्ट रेड में देख कर रखा है 54। तो जहाँ भी इस ऊपर वाली इंडेक्स में कितना है, 54 है, तो आप उसमें क्या करोगे? रेड कलर करेंगे। नेक्स्ट है येलो 455। जहाँ भी आपको 455 आप क्या फाइंड करोगे? 455। तो जहाँ भी ऊपर वाली इंडेक्स में क्या दिखे क्या है, 445, जहाँ भी 445 है, आप उसमें कौन सा कलर करोगे? येलो कलर करोगे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे जो भी आपको नंबर्स देखे रखे हैं, इनमें कुछ वर्ड्स में देख रखे हैं, कुछ डिजिट्स में देखे रखे हैं। ओके, जिस भी कलर बॉक्स का नाम लिखा हुआ है उस कलर से आपको ऊपर इंडेक्स में वो फाइंड करके कलर करना है। अब डिजिट में देखें, नीचे लिख रहा है फिफ्थ नंबर पे 300 + 70 + 4, तो इनको टोटल बताना आपको कितना होगा। हम सबको पता है 300 + 70 + 4, तो 374। तो आप ऊपर अब इंडेक्स में फाइंड करेंगे 374 कहाँ है, उसमें कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे। तो ये भी क्या आपका होमवर्क है। ओके, सो ये जो आज मैंने 4 पेज आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये सब आपको अपनी बुक में आप भी रीड करेंगे, और जो भी ब्लैंक्स देखे रखे हैं या जो भी आपका होमवर्क का है वो आपको बुक में सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।